हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए एमपी का जो पूरा नॉलेज है, एमपी जीके है, वो जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो एमपी के जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड हो, तो ये सारी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। एक अलग सेक्शन में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छे से हमारे साथ तैयारी करें, जम के तैयारी करें। जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं कि आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 21 मई को आपका एग्जाम है, सो समय आपका इस टाइम जो है मॉक टेस्ट लगाने का है, तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इसमें आप मेरे नाम का कोड लगाएंगे PC30, तो इसमें आपको एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 25 मॉक टेस्ट है प्लस 1.5 ईयर्स की आपको करंट अफेयर्स की ई बुक्स मिलेंगी, तो आप उसमें रिविजन भी कर सकते हैं, जिसमें 2.5 ईयरली अवेलेबल होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बच्चे डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स भी देते हैं, तो यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज ही इसको परचेज करिए, सेम कोड आप अप्लाई कर सकते हैं PC30, तो आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा पेंडुलम ईडीयू आपके लिए ई बुक्स भी लेकर आया है, करंट अफेयर्स वार्षिकांक, करंट अफेयर्स इंग्लिश में जो है हाफ ईयरली अवेलेबल है, प्रिंटेड वर्जन में भी अवेलेबल है। आपको बस क्या करना है, हमारी वेबसाइट विजिट करनी है और आपके डोर स्टेप पे बुक डिलीवर हो जाएगी। तो वहां पर मेंशन है कौन सा जो है प्रिंटेड वर्जन अवेलेबल है किस बुक का, एंड किस बुक का आपको ई बुक वर्जन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क्स दीज आर एरियाज जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होते हैं, जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके लिए एरिया रिजर्व किया जाता है, वो नेशनल पार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, एनिमल्स को कैप्चर करना, फायरवुड कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना, ये सारी जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये वर्जित होती है। अब प्रोटेक्टेड एरियाज की हम बात करें तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स, ये सभी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो भारत में अगर हम देखें तो टोटल अभी 106 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं जो कवर करते हैं एरिया ऑफ 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 1.35% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री जो है अकॉर्डिंग टू नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, ये पूरे जो नेशनल पार्क है करेंटली, ये 1.35% ऑफ इंडिया का जो टोटल एरिया है उसको कवर करते हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 12 नेशनल पार्क है, इसके बाद असम का स्थान आता है विद 7 नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है कि टोटल नेशनल पार्क भारत में कितने हैं, या फिर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स है, या फिर पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स है, यहाँ पे आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग अब आगे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं इनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट कान्हा टाइगर रिजर्व। 1955 में जो कान्हा नेशनल पार्क है वो बना था, बाद में टाइगर रिजर्व का इसको स्टेटस मिला। 1973 में टाइगर रिजर्व का स्टेटस इसको मिला था। ये मांडला के पास लोकेटेड है कान्हा टाइगर रिजर्व, एंड बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट, मांडला और बालाघाट, ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 1973 में टाइगर रिजर्व बना था। हेलोन और बंजर दो पार्ट में ये डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेलोन एंड बंजर, ठीक है। अब कान्हा टाइगर रिजर्व की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कान्हा टाइगर
रिजर्व, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स है वो आपकी मांडू एंड बालाघाट, ठीक है, मांडला एंड बालाघाट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पहले नेशनल पार्क था, बाद में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था। तो इसमें तीन मेन जोन है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड। देखिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से पूछ लेता है, जैसे टाइगर रिजर्व दे दिया या नेशनल पार्क दे दिया एक जगह, दूसरी जगह लोकेशन दे दी, लिस्ट मैचिंग के लिए आ सकती है, ये कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, या सिंपल सिंपल लोकेशन के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें तीन पार्ट कौन कौन से हैं, तीन मेन जोन है, तला, फिर मगधी एंड कितौली, मगधी एंड कितौली, ये तीन जोन्स में डिवाइडेड है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं एंड इसमें जो सबसे रिचेस्ट जोन है बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, जो सबसे रिचेस्ट जोन है वो तला है, रिचेस्ट जोन है ये, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की। तो पन्ना जो है वो डायमंड के लिए भी फेमस है, आपको पता है, एंड पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। 1981 में पन्ना नेशनल पार्क बना था। टाइगर रिजर्व का स्टेटस इसको कब मिला था, 1994 में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था, 1981 में ये एज नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था। और पन्ना टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसको दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वेल मेंटेन्ड जो है टाइगर रिजर्व है। तो अभी एक और टाइगर रिजर्व को रिसेंटली वेल मेंटेन्ड जो है रेट किया गया है, तो वो कौन सा है, वो है परिया टाइगर रिजर्व। यहां लिख देते हैं, अभी रिसेंटली न्यूज में था परिया टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये केरला में है। तो इस टाइगर रिजर्व को वेल मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व इन इंडिया अभी इसको स्टेटस मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं पैच टाइगर रिजर्व की तरफ। तो पैच नेशनल पार्क 1975 में बना था एंड देन टाइगर रिजर्व का स्टेटस इसको 1992 में मिला था। ये सियोनी डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड है। अब हम बांधवगढ़ पन्ना और पैच की लोकेशन देख लेते हैं। पैच टाइगर रिजर्व, ठीक है, फिर ये आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और कौन सा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो पन्ना, छतरपुर और जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है इसमें फैला हुआ है। फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अभी हमने देखा था, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड देन जो पेच टाइगर रिजर्व है सियोनी के पास है, ठीक है। लोकेशन वाइज सबको क्लियर आ रहा है समझ में, तो लोकेशन जानना भी जरूरी है क्योंकि एक बार लोकेशन आपको पता चल गई तो एक दिमाग में सेट हो जाएगा आपका कि कहाँ कहाँ पर कौन सा लोकेटेड है, ठीक है। कई बार आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब मान लीजिए बोला आपको कि नॉर्थ से साउथ में आप टाइगर रिजर्व को अरेंज करिए, ठीक है, मान लीजिए बोला जाए कि भाई मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क है इनको नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज करिए, आपको दे दिया पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा एंड पैच टाइगर रिजर्व। तो अगर हम चले नॉर्थ टू साउथ, अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले पन्ना टाइगर रिजर्व आता है, ठीक है, फिर आपका बांधवगढ़ आएगा, फिर कान्हा और फिर पैच टाइगर रिजर्व आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लोकेशन या ईस्ट टू वेस्ट आपको लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे सतपुरा दे दिया आपको, कान्हा टाइगर रिजर्व दे दिया एंड इधर आपको माधव नेशनल पार्क पूछ लिया, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या है, आपको मैप से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे और नेशनल पार्क देखते हैं मध्य प्रदेश के। इसमें आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, 1981 में जो नेशनल पार्क बना था।
सतपुड़ा की एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ये पहला रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का। पहला रिजर्व फॉरेस्ट था, बना था ये इंडिया का, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया सतपुड़ा टाइगर, जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो बना था। बाद में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था। तो इसको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पीक है, धूपगढ़ पीक जो है, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट इससे लोकेटेड रिलेटेड है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। अब मैप में देख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की, तो ये आप यहाँ पर लोकेशन इसकी देख सकते हैं। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके अलावा बात करते हैं संजय नेशनल पार्क की, तो संजय धुबरी जो टाइगर रिजर्व है उसका ये पार्ट है संजय नेशनल पार्क। 1981 में मिला था, जबकि जो संजय धुबरी जो नेशनल पार्क है, जो संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, उसको बाद में टाइगर रिजर्व स्टेटस मिला था। तो संजय नेशनल पार्क 1981 में ये बना था, एंड ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश दोनों में ही फैला हुआ है। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ की है, और सीधी एंड सिंगरौली, ये दो जो एमपी के एरियाज हैं, इनमें ये लाई करता है। अब संजय नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? देखिये 2000 से पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर ही छत्तीसगढ़ था, फिर छत्तीसगढ़ को अलग से काव आउट किया गया था। 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होके एक अलग जो है राज्य बना। तो जो संजय नेशनल पार्क का कुछ पार्ट है वो छत्तीसगढ़ में भी चला गया, एंड उसको कहते हैं गुरु घसीदास नेशनल पार्क, गुरु घसीदास नेशनल पार्क इसको कहते हैं। एंड ये कहां पर कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ में कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको गुरु घसीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संजय धुबरी टाइगर रिजर्व जो नर्मदा वैली में लोकेटेड है उसका ये पार्ट है, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व नर्मदा वैली पे लोकेटेड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं संजय टाइगर रिजर्व, ये लोकेशन, तो ये जो है नर्मदा वैली के पास जो है लोकेटेड है। एंड ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में उसकी बात करेंगे। तो माधव नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? 1959 में ये नेशनल पार्क बना था, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड माधव नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चा में बना रहता है। माधव नेशनल पार्क जो है, इसका नाम महाराजा जो माधव राव सिंधिया है उनके नाम पर, जो सिंधिया फैमिली के, सिंधिया वंश के जो राजा थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक लेक है साख्या सागर, साख्या सागर ये एक मैनमेड लेक है, और इसको जो है रामसार साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। रामसार जो लिस्ट होती है, रामसार साइट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है 2022 में। तो ये कहां पर है? माधव नेशनल पार्क में लोकेटेड है, मैनमेड ये रिजर्वायर है। रामसार साइट्स पे हम लोग अलग से सेशन करेंगे, मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट रामसार साइट्स हैं उन पे हम अलग से एक सेशन लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग अभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करेंगे। अगला इसमें आता है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क 1979 में फॉर्म हुआ था। ये कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये भोपाल में लोकेटेड है। सो माधव नेशनल पार्क यहां पर लोकेटेड है और वन विहार नेशनल पार्क यहां पर लोकेटेड है।
ठीक है। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है एंड वन विहार भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वन विहार भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है एंड माधव जो है ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, माधव नेशनल पार्क, ठीक है। सो वन विहार की हम बात करें तो इसको एज जूलॉजिकल जो है पार्क इसको मेंटेन किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। ऑल्दो ये है नेशनल पार्क लेकिन इसको मैनेज जूलॉजिकल पार्क की तरह किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनासोर नेशनल पार्क की। ये धर में लोकेटेड है तो डायनासोर नेशनल पार्क ये यहाँ पर ओल्डेस्ट जो फॉसिल है डायनासोर्स के वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एशिया में जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे डायनासोर तो वो लोकेशन कौन सी है? वो यही है, यहीं पे मिले थे डायनासोर नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये धर में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा गुगोआ फॉसिल नेशनल पार्क 1983 में फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, जो डायनासोर नेशनल पार्क है इसको स्टेटस भी जो है यहाँ पर दिया जा सकता है। कौन सा स्टेटस दिया जा सकता है? ये पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बन सकता है। पहला अभी चर्चा में था न्यूज में इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये फर्स्ट यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क बन सकता है जिसमें जो बहुत पुराने फॉसिल्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ओल्डेस्ट जो डायनासोर के यहाँ पे एशिया में मिलते हैं फॉसिल वो यहीं पर मिलते हैं। घुघुआ नेशनल पार्क की हम बात करें तो 1983 में बना था। ये शाहपुरा के पास 70 किलोमीटर डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से ये लोकेटेड है घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क। एंड मध्य प्रदेश में और भी जो फॉसिल नेशनल पार्क है वो बनाए जाने की बात की जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क की। तो इस फॉसिल पार्क में यूकेलिप्टस जो ट्री होता है इसके ओल्डेस्ट फॉसिल यहाँ पर मिले हैं। ओल्डेस्ट फॉसिल जो है यहाँ पर मिले हैं घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क में। और जो एक और फॉसिल नेशनल पार्क डेवलप करने की बात चल रही है मध्य प्रदेश में जिसके लिए अप्रूवल मिल गया है, दैट इज जो धनगांव है मांडला डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इसकी बात चल रही है। सेकेंड नेशनल फॉसिल पार्क जो है मध्य प्रदेश में जो बनना है वो कहा हुआ धनगांव, क्योंकि यहाँ पर ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिले हैं कुछ, तो वहां पर बात चल रही है मांडला में, ठीक है। मांडला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की नेशनल पार्क्स की, तो एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व नियर मांडला एंड बालाघाट में ये लोकेटेड है। फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पैच टाइगर रिजर्व सियोनी के पास है। तो आप इसको ऐसे थोड़ा रिलेट करके कर सकते हैं जैसे जो कृष्ण भगवान है वो मोरपंख लगाते हैं, मोर पैच भी बोलते हैं उसको, तो पैच लगाते हैं, ठीक है, और पन्ना पहनते हैं, तो ऐसा आप कुछ इससे रिलेट कर सकते हैं। तो और कान्हा जी जब जो है मक्खन खाते थे तो क्या होता था कि सब लोग उनके पीछे पड़ जाते थे, फिर उनको बांध के रखना पड़ता था कि मक्खन ना खाए वो। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कान्हा बांधवगढ़ बांधना देन पन्ना पहनते थे एंड मोरपंख लगाते थे, पैच लगाते थे। तो इससे आप जो है इसे याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क से उनको की कौन कौन से हैं। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। संजय नेशनल पार्क ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ एंड सिद्धि सिंगरौली एमपी में लोकेटेड है। फिर उसके बाद माधव नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
तो माधव कृष्ण जी का जैसे दूसरा नाम माधव, ठीक है। फिर वन विहार नेशनल पार्क, तो वनों में विहार करते थे, रहते थे, वनों में रहते थे कृष्ण जी, ऐसे करके उसको रिलेट कर सकते हैं। कान्हा वनों में रहता था, तो वन विहार नेशनल पार्क। देन क्यूनो नेशनल पार्क, अच्छा क्यूनो नेशनल पार्क ये रह गया, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो क्यूनो नेशनल पार्क ये रिसेंटली 2018 में बना था और शिवपुर एंड शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है, दो डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है क्यूनो नेशनल पार्क। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब ये चर्चा में था, 8 चीता जो थे लास्ट ईयर वो क्यूनो नेशनल पार्क में आए थे। ये कहां से आए थे, नामीबिया से आए थे अफ्रीकन चीते। एंड देन अभी इस साल में 12 चीते और आए थे, ये कहां से आए थे, ये साउथ अफ्रीका से आए थे। तो क्यूनो नेशनल पार्क काफी चर्चा में था इसी वजह से, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि जो अफ्रीकन चीता है उनको रखा गया है क्यूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। सो क्यूनो की यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं। सो इसको बहुत दिन बाद, पहले ये एज अ सेंचुरी डेवलप हुआ था क्यूनो, बहुत टाइम बाद इसको एज अ नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था। अब बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व्स की। तो टोटल भारत में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो 53 हैं, एंड जो अभी 2022 का सेंसस आया था, टाइगर सेंसस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ टाइगर्स जो यहाँ पर देखे गए थे वो 3167 जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 1973 में, और इस साल इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, 50 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बस लिस्ट देख लेते हैं। 6 जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कौन कौन से है, संजय डूबरी टाइगर रिजर्व, पैच, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ एंड सतपुड़ा, ठीक है। ये 6 जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, फिर से याद कर लेते हैं, पन्ना, पैंच, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा एंड संजय धुबरी। अब बात करते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, लार्ज ताकि वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सबका कंजर्वेशन किया जा सके, और साथ ही जो ट्रेडिशनल लाइफ है जो वहां पे लोग ट्राइबल्स रह रहे हैं उनका भी संरक्षण किया जा सके। सो उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में टोटल कितने हैं, 18 हैं। इसमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। भारत के 18 में से 10 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। मध्य प्रदेश में टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उन 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स को, तीनों को ही जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसमें इंक्लूड किया गया। ये कौन कौन से हैं, पचमाढ़ी है, 1999 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था। फिर अचानक कमर अमरकंटक है, 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। एंड पन्ना है, ये 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। तो पन्ना जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, ये इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, ठीक है। तो गाइस ये हमने डिस्कस किया, फिर से एक बार देख लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में 3 है और तीनों जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, पचमढ़ी, अचानक कुमार, अमरकंटक एंड पन्ना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं बेस्ड ऑन टॉपिक जो हमने स्टडी किया है। सो विच नेशनल पार्क हैज रिसीव्ड इंडिया टुडेज एडिटर्स चॉइस अवार्ड इन द बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन कैटेगरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पैच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज इन विच ईयर कान्हा वॉज डिजिग्नेटेड एज नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर जो टाइगर रिजर्व है करेंटली उसको नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला था, 1957, 1955, 1956 एंड 1954। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 1955। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना एंड सतपुड़ा, कौन सा
नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कान्हा किसली नेशनल पार्क. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. पैंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? होशंगाबाद एंड बेतुल, बेतुल एंड छिंदवाड़ा, सियोनी एंड छिंदवाड़ा, सियोनी एंड मांडला. तो पैंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सियोनी और छिंदवाड़ा में पैंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, डायनासोर जो नेशनल पार्क है कहाँ पर लोकेटेड है? उज्जैन, श्योपुर, धर एंड दतिया. कौन से मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड इन धर डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड नहीं है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है. सो दुधवा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क. ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है एंड दिस इज ओनली वन नेशनल पार्क या ओनली नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क. ठीक है, उसको टाइगर रिजर्व का भी स्टेटस मिल चुका है. यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व, देन पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व एंड नया बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व. जबकि मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है. ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, ये सभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स हैं. सो गाइज, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका गिवन है. आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को जो है अच्छा करिए और अच्छा परफॉर्म करिए. आपका सिलेक्शन जरूर होगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं. हौसले बुलंद हो तो बंदा क्या नहीं अचीव कर सकता. तो यही मोटो के साथ अपना जो है हौसला बुलंद रखिए और मेहनत करते रहिए. हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.